मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर केंद्रीय जेल से पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता संदेश दिया गया, साथ ही आगामी दीपावली पर्व के लिए इको फ्रेंडली दीपक बनाकर तैयार किए गए हैं। बता दें कि नरसिंहपुर केंद्र जेल में खुद की आदर्श गौशाला है, यहां 53 गाय हैं, जिसके गोबर से इको फ्रेंडली दिए निर्माण कर पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का संदेश दिया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नदियों में दीप दान करने को लेकर केंद्रीय जेल के कैदियों की मदद से इको फ्रेंडली दीपक तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद दीपक को बिक्री के लिए बाजार में उतारा जा रहा है। इसी के लिए अलग से जेल कल्याण समिति का गठन भी किया गया है, जिसके माध्यम से कैदियों से निर्माण होने वाली वस्तुओं को बाजार में बिक्री के लिए आसानी से उतारा जा सके। फिलहाल आगामी दीपावली पर्व को लेकर इन दियों की डिमांड बढ़ गई है। करीब 15,000 दिए भोपाल भेजे गए हैं। क्या कुछ कारण रहे और उसमें क्या तैयारी रहेंगी आपकी दीपावली में? केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में स्वयं की एक आदर्श गौशाला है, जिसमें 53 गायें हैं और हमारे यहाँ पे गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये टोटली इको फ्रेंडली फ्लोटिंग दिए हैं। आप देखते होंगे कि चाइनीज दीपक, जो कि फ्लोटिंग दियो के नाम से मार्केट में बिकते हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और वो 10-15 मिनट ही जलते हैं और उसके बाद उसके पीछे की लगी एल्यूमिनियम की प्लेट जो होती है वो डूब जाती है। लेकिन ये गोबर के दिए जो हमने रेवा दीप के नाम से लॉन्च किए थे लास्ट ईयर, उनकी इतनी डिमांड है कि हमने 15,000 दिए भोपाल भेजे और वर्तमान में भी लगातार हमारे दियो की डिमांड बढ़ रही है। तो ये गोबर के दिए हैं, जो कि जिसमें कि दलिया के दाने मिले हुए हैं और जिसको नदी में पूरी तरीके से समाहित हो जाते हैं, मछली और जलीय जीव भी इसको भक्षण कर लेते हैं। साथ ही साथ मैडम, दीपावली में कैसा कुछ माहौल रहेगा और क्या अलग तैयारी है दीपावली की? सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे वर्तमान डीजी श्री संजय चौधरी सर के इनिशिएटिव के कारण मध्य प्रदेश में जेल कल्याण समितियों का गठन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि जेल के ऐसे कर्मचारी अगर जिनको कभी कोई दिक्कत हो तो उसमें हम संकट निधि के माध्यम से सहयोग कर सके, या ऐसे बच्चे जिनको की रोजगार की नहीं दे पा रहे हैं या अनुकंपा नियुक्ति नहीं लग पाई है तो उनको हम कुछ सहयोग कर सके। इसी तारतम्य में जेल कैफे हमारे यहाँ हम उद्घाटित करने जा रहे हैं और 12 तारीख को माननीय सांसद महोदय श्री कैलाश सोनी जी के द्वारा इसका उद्घाटन प्रस्तावित है और इसका मूल उद्देश्य जेल पे उत्पादित सामग्रियों का विक्रय करना है, साथ ही ये बताना है कि सबको एक जीवन में सेकेंड चांस की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि अपराध करने वाले हाथ केवल खून से रंगे हैं, इन हाथों में बहुत कलाएं भी हैं, इनको माफ़ किया जा सकता है और ये शानदार कलाकृतियां बना सकते हैं, इनको एक अवसर दिया जाना चाहिए। JSR टाइम्स के लिए नरसिंहपुर से सुमित साहू की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।